अगला टप्पा है कोठी ती किल माइया कोठे ती किल माइया पढ़ो कोठी ती किल माइया लोका दिया रोड अखिया साडा रो सब भोग लिए दुख सुख सब भोग लिए बाबा ऐसी कोई जुगत दसो तानू जाने रोक लिए जी ऐसी कोई जुगत दसो तानू जाने रोक लिए तेरा साथ संग लगदा ओते होंदिया बहारां ने जी जिते तेरा सत्संग लगदा ओते होंदिया बहारां ने जिते तेरा सत्संग लगदा करे मौत आ जाए जे मैं तैनू भूल जावा जी मौला करे मौत आ जावे जे मैं तैनू भूल जावा जी मौला करे मौत आ जाए जे मैं तैनू भूल जावा ये मर्जी है जीवो मैं
तेरे पीछे क्यों रुल दे जे तेरे चरे होर हो दे बाबा जी तेरे पीछे क्यों खुशी दून सवाई होवे खुशी दून सवाई होवे आज दे दिहाड़े दी सारी संगत नु बधाई होवे जी आज दे दिहाड़े दी सारी संगत नु बधाई आखरी टप्पा सारिया ने बोलना है दो मिनट रुक जाओ लंगर भी इतने होएगा सब नु मिलेगा कोई भुखा नहीं जाएगा गुरु नानक दे करो सिर्फ दो मिनट एकाग्रता बख्शो सब कुछ इतने होएगा सब कुछ महाराज जी करा के भेज जाएंगे आखरी टप्पा सारिया ने पढ़ना भाई तेरे दर दिया बोले जी पढ़ो करी मेरा वालिया फिके बोले जो बोले जी जी माफ करी मेरा वालिया फिके बोले जो बोले जी माफ करी मेरा वालिया फिके बोले जो बोले जी पढ़ो माफ करी इतनी को हाजरी इतनी को बेनती प्रवान करनी सत्संग करते हैं शब्द पढ़ते हैं अनेक ही प्रकार दिया भुला कथा विचार करते हैं अनेक प्रकार दिया भुला हुई होंगे आप सात संगत जी बख्शन योग हो गुरु ने तुहानू अपने आप नू चेहरा तो अब तुहानू गुरु क्या तुसी बख्शना है कोई गलती हो मैनू समझा के जरूर भेजना है यह गल ना हो समझो कि सर ने यह गल कही सी कि मैनू बंदे टोकते ने असं कुछ कही ही ना सीखने वास्ते असं हमेशा तैयार है अखीर गल लैके सब ने घर वास्ते जानी तुहानू यह ध्यान रखना है कि गुरु नानक ने साडा नाम सिख रखे है सिख का मतलब सरदार नहीं होता सिख का मतलब जिहड़ा सिख ना है और ध्यान ना सुनना जिहड़ा यह शब्द है ना सिख यह सानू एक चीज बड़ी वड्डी दे दिंदा है जो असं मंगने हाँ वो की है जब तक असं अपने आप नू सिख की कैटेगरी च रखने असं रोज सीखने रोज सीखने रोज सीखने कि साडे अंदर होमे नहीं आते होमे हो मतलब मैं और मैं नहीं आते साडे ते नाम ही इन्ना प्यारा गुरु नानक ने रखे सिख जिदे अंदर होमे आ ही नहीं सकती अगर वो सीखन जाएगा सारे ने सीखन की कोशिश करनी है मैनू भी सिखा के भेजना है क्योंकि मैं तुहाडे कोल सीखन नहीं आया बाबा आनंद सिंह जी जब संगता विच बैठते सी ते अपना टोआ नीचे पुट के बैंदे सी तुसी ते सानू फिर तुलाई ते बिठाया असी इहदे काबिल भी नहीं हो जिन्हां दी कमाई सी ओह संगत तो भी थले बैंदे सी कि मैं संगत तो उच्चा नहीं हो सकता बस आखिरी वचन साडे वालों गल्लां ना करो भाई सिर्फ दो मिनट की एकाग्रता बख्शनी है परिवार जिन्ने इस सात संगत नूं कराया है इस सतसंगत नूं कराया है तुहानू पता है की होया गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन सुन गुरु गोबिंद सिंह जी कोल कोई प्रेमी आया कहिंदे महाराज तुसी किसी दे प्रसन्न होंदे हो ते की करदे हो कहिंदे मैं उहदे घर एक गुरु का सिख भेज देना भाव कोई नाम जपन वाली रूह भेज देना कहिंदे तुसी होर कुछ होंदे हो ते की करदे हो कहिंदे मैं एक सिख होर भेज देना भाव एक होर नाम जपन वाली रूह भेज देना क्योंकि उहदी किरणा सानू भी फिर उस तरफ लै जांदी है कहते होर कुछ होंगे हो तो की करते हो कहते मैं एक गुरु का सिख होर भेज देना कहते महाराज जी यह दसो जिदे ते तुसी बहुत ज्यादा खुश होंगे हो टुटते हो तुहानू प्यार आ जाता है ओनू की देंदे हो कहते मैं उनके घर पूरी गुरु की संगत ही भेज देना सतनाम श्री वाहेगुरु ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी अज तुहाडे परिवार से खुश होए ने ए तुसी ए ना समझो असी सत्संग कराया ए तुहानू उन्हां दी खुशी मिली है ना देखो साडे भाग सानू भी दो ढाई घंटे तुसी इत्थे बिठा दिता है महाराज कहंदे ने ढाई घंटे चौकड़ी लगानी कुछ करो ना करो
चौकड़ी लगवा दी होर सेवा की करा असं फिर भी शुक्र नहीं करते। भागा वाली कड़ी है एक तारना जरूर लानी है असि फिर उस तो बाद आनंद साहब का पाठ है सारे ने रल के पढ़ना है भागा वाली कड़ी जी मिली है कोई करण नसीबा वाले सतसंग दो घड़िया बिन पाका सत्संग न लभे वाहेगुरु 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 बिन संगत मैल परी दे जियो बिन संगत मैल परी दे जियो बड़ पागी हर संगत पावे बड़ पागी हर संगत पावे पाग हीन ब्रह्म चोटा साते संग दो कड़िया कोई करण चीज दे के जाओ दे खुशियां दातार सानू दे खुशियां दे खुशियां दे खुशियां दातार सानू दे खुशियां खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होवे दे खुशियां दा कार सानू दे खुशियां
खुशियां दा तार सानू दे खुशियां। राग राम कली महला तीजा नंद क्योंकार सतगुर प्रसाद। मेरी माए आनंद पया
कोई भी माया दे वास्ते कीर्तन नहीं करते। वाहेगुरु जी का बड़ा शुक्र है, बड़ी कृपा है कि सानू उन्होंने रोजगार बख्शे हुए हैं। साडा कोई रोजगार नहीं है, असी साफ संगत को कह के जाने हैं। तुहाडी दित्ती एक एक तिल फुल एक एक तिनका जिहड़ा है उस संगत की सेवा ही लगाया जाता है। हर एतवार साडे कोचिंग सेंटर जो वाहेगुरु जी ने बख्शे ने उत्थे सत्संग होंदे ने 4 बजे तो लैके 6 बजे तक। तो जिहड़ी संगत उत्थे आंदी उन्हां दी यूज विच भावें कोई प्रसाद है कोई जरूरत की चीज है, आप जी की दित्ती हुई माया एक एक जी संगत की सेवा ही लगेगी। तो यह वडभागिया की निशानी होंगी कि जी सेवा है वह संगत दे वास्ते लगे। इनू असी खोल के भी नहीं देखते आप जी की माया पेटा कर रहे हो। यह तुहाडा और संगत का रिश्ता है, साडा कुछ नहीं है।